फिलहाल अभी मेरा वर्कआउट कंप्लीट हुआ है तो सोचे कि आपको जिम भी दिखा देते हैं, जगह से फोटोज आता है। मतलब मेरे लिए तो एक तरह से मतलब फोटोज भी जरूरी है, वीडियो बनाना भी जरूरी है वहाँ। पहले के मुताबिक जो जिम था उसमें ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं था यहाँ पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मॉर्निंग ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब अच्छे होंगे। तो गाइस ये मेरा नया लुक है क्योंकि मम्मी को मेरा बार बार बियर्ड पसंद नहीं है, तो जो मम्मी को पसंद नहीं है मेरे को पसंद नहीं है तो हटा दिए और बाल भी कटवा लिए सारा। मतलब थोड़ा ठीक लगता है ऐसा। तो फिलहाल अभी जस्ट उठे और पहला मील अपना रेडी कर चुके हैं। पहला मील जो देखो क्या ले रहे हैं, मेरा पहला मील 100 ग्राम चना है, 100 ग्राम मूंग है, ठीक है। तो ये मेरा पहला मील है, पहला मील ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेकफास्ट में आपको ना ज़्यादा लेना ना कम लेना, ठीक है। तो बीच में मीडियम में लेना चाहिए ताकि थोड़ा लगे आपका, यही ब्रेकफास्ट ही आपको एनर्जी देगा वर्कआउट के वक्त एट लास्ट में, जो शुरू आप लेते हो, जो शुरुआत में करते हो, ठीक है। तो इसके बाद में लेंगे आधा घंटा कुछ और लेंगे, जो भी आप पहला मील यही था बता दिया आपको। गाइस अब बारी है दूसरे मील का, ठीक है। तो उसमें हम दूसरे मील में हम लंच करते हैं। इसके पहले हम थोड़ा दो केला खा लिए थे तो वो मील में हम काउंट नहीं करते, वो तो ऐसे ही जब मन करता कुछ खा लेते हैं, ठीक है। तो आप खा सकते हो। तो अभी दूसरे मील में देखो हम क्या क्या खाते हैं। तो दूसरे मील मतलब कि लंच में हम थोड़ा सा चावल लिए हैं और ये चना का सब्जी है, देख लो काफ़ी टेस्टी, और छोला है मतलब समझ लो, और ये है कड़ी है और ये दही है। तो ये दूसरा मील मेरा मतलब है, और ये भी हम थोड़ा सा हार्डी करते हैं, गेनिंग में है तो ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। हाँ लंच कर लेते हैं, और इससे पहले लंच के पहले भी हम दो केला खाए थे तो वो इसमें काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। और बाकी बीच में कुछ कुछ खाते रहते हैं क्योंकि अब गेनिंग करना है तो भाई जम के खाना ही पड़ेगा और सही समय पर सही चीज़ खाना पड़ेगा, ये नहीं कुछ भी, समझ रहे हो ना। तो फिलहाल लंच थोड़ा कर लेते हैं। जिम के एक घंटे जाने से पहले हम थोड़ा कुछ कुछ खा लेते हैं ताकि जो भी हम जिम से पहले खाते हैं ना उसको पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाए, तो ताकि उसका एनर्जी हमको जिम के वर्कआउट को मिल सके। इसीलिए हम अभी पीनट्स खा रहे हैं, पीनट्स तो है नहीं पर थोड़ा सा है, अभी खा लिए हैं 100 ग्राम पीनट्स लिए थे। तगड़ा रख रहे हैं, ठीक है। डाइट तगड़ा रखेंगे तो वर्कआउट जब करेंगे तो बॉडी में रिजल्ट दिखेगा। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो तो आपको दिख रहा होगा हम डेली पोस्ट कर रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, और नहीं कर दो तो प्लीज़ कर लो फॉलो, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से फॉलो कर लेना, वहाँ से हमको देख सकते हो आप कि हम मेरा बॉडी में कैसा ग्रो आ रहा है क्या नहीं। वैसे तो ऐसे भी दिखाएंगे आपको ब्लॉग में भी थोड़ा बहुत, पर उसमें सब पीको क्लिक करते हैं और रील्स बनाते हैं तो उसमें जा कर लो यार फॉलो, क्या दिक्कत है आपको। आज फिलहाल हम जिम के लिए रेडी हो चुके हैं और ये कैप इसलिए पहन रहे हैं ताकि बाल मतलब सामने नहीं है, ठीक है। तो अब जिम के लिए फ्राइड में रेडी हो गए और आज हम अपना जिम दिखाएंगे आपको, जो जिम है जिस जिम में हम वर्कआउट करते हैं वो हम जिम दिखाएंगे। काफ़ी अच्छा है वहाँ पर, मतलब काफ़ी अच्छा खासा फोटोज आता है। मतलब मेरे लिए तो एक तरह से मतलब फ़ोटोज़ भी ज़रूरी है, वीडियो बनाना भी ज़रूरी है वहाँ पे, तो वो जिम अच्छा है मेरे लिए अभी तक, ठीक है। जो अभी वर्कआउट कर रहे हैं, जिस तरह से मेरा वर्कआउट चल रहा है उसके लिए वो परफेक्ट वो जिम है। तो आपको जिम भी दिखाएंगे थोड़ा बहुत और आज वर्कआउट भी करेंगे। चलो फिलहाल अभी मेरा वर्कआउट कम्प्लीट हुआ है तो सोचे कि आपको जिम भी दिखा देते हैं, जिम आए हमें फिलहाल। तो ये रहा मेरा जिम, अब बैक कैमरा ऑन करते हैं आपको दिखाते हैं थोड़ा सा सांस लेने की, जस्ट मैंने वर्कआउट कंप्लीट हुआ है, हम पूरा जिम खा लिया है। अभी 11 बज रहा है, काफ़ी लेट नाइट हम वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा भीड़ भाड़ में मजा नहीं आता है, जितना जिम खाली हो उतना अच्छा लगता है मेरे को। देखो ये रहा जिम, सारे मशीन देख लो आप लोग, ये रहे हम, यहाँ पर ट्रेडमिल है सारा है, यहाँ से एंट्रेंस है जिम का, अपने हाथ धो रहा केतन, जब ट्रेडमिल है कार्डियो सेक्शन, सारा डंबल और जो भी है, चेस्ट वाला बाइसेप्स मशीन है, यहाँ पर चेस्ट है बैक वर्कआउट के लिए, यहाँ पे है ये रहे हम। तो यही है जिम, जिम तो आपको दिखा दिया, जिम काफ़ी अच्छा है। पहले के मुताबिक जो जिम था उसमें ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं था, यहाँ पे ज़्यादा इक्विपमेंट है और यहाँ पे करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब पार्टनर है तो कहीं नहीं मजा आएगा। तो फिलहाल निकलते हैं घर, घर जाकर आपसे बात करते हैं, ठीक है। चलो फिलहाल हम घर आ चुके हैं और नहा धोवा के ऑल सेट, ठीक है। वर्कआउट काफ़ी हैवी है, मतलब हुआ आज काफ़ी मज़ा आया, जिम तो आपको दिखाई दे, जिम देख लेना काफ़ी अच्छा जिम है, पहले से ज़्यादा अच्छा जिम है। फिलहाल डिनर का टाइम हो चुका है और डिनर में हम वहीं मतलब कि हम रोटी छोड़ दिए हैं, गेनिंग पे हैं तो सिर्फ चावल ही खा रहे हैं। ऐसा नहीं आप खा सकते हो रोटी भी खा सकते हो, पर मेरे को रोटी ज़्यादा पसंद नहीं है, हमको चावल ज़्यादा पसंद है, तो वही हम चावल जस्ट मम्मी से बनवा रहे हैं। मम्मी नहीं बनाए थे, मम्मी सबके लिए चपाती बनाए थे, इसीलिए तो हम सोचे कि अपने लिए रोटी, सॉरी रोटी बोल रहे हैं, हम अपने लिए चावल बनवा लेते हैं। तो चावल बना के जस्ट मम्मी ले के आई हैं। खाना आलू और सोयाबीन का सब्जी है और दाल है और ये रहा चावल, ठीक है। तो ये मेरा डिनर है,
क्योंकि अब इसमें सैलड ऐड करेंगे, सैलड एंड मम्मी काट के ला रही हैं। डिनर ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे क्योंकि और भी इसके बाद हमको शेक पीना रहता है, तो ज़्यादा हैवी नहीं है, तब भी इतना काफ़ी है। बल्किंग पे है तो भाई तो खाना तो पड़ेगा ना, हर घंटे घंटे खाना पड़ेगा। मम्मी तो बोल रही कि जब से तुम सो के उठा तब से खा ही रहा, कुछ 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 खाते रह रहा, तो क्या कर सकते हैं, बल्किंग पे चाहिए ना। और रिजल्ट आपके सामने है जो भी है। तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, 4-5 दिन तो हो गए किया, 4-5 दिन में कितना गेन कर लिए तो हमको नहीं पता। वैसे वेट नापे नहीं है, मेजरमेंट नहीं किया वेट अपना या अपना साइज जो भी हो। वैसे थोड़ा 1 मंथ बीतने दो, 2 मंथ उसके बाद अपने आप खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। वैसे खुद अपने डिफरेंस पता चल रहा है, पर तब भी एक ज़्यादा डिफरेंस पता चलेगा जब 1-2 मंथ हो जाएगा। तब हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है सोने का। क्योंकि देखो डाइट ठीक है, वर्कआउट भी सही है, पर अब जब तक आप 8 घंटे मतलब समझ रहे हो ना, जब तक चैन की नींद नहीं सोओगे ना फुल्ली, तब तक आपका बॉडी पर रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो फ़ोन वोन सब साइड उड रख के आराम से सोना पड़ता है 8 घंटा, ठीक है भाई, तभी रिजल्ट दिखता है, क्योंकि उस वक्त आपका बॉडी ग्रो होता है। बाकी जो डाइट लेते हो, जो प्रोटीन जो भी जो चीज़ लेते हो, वो सब काम करता है इधर उधर। थोड़ा मेरा बोलने का तरीका अलग है पर सब सेम है, ठीक है। तो वही जो हो रहा है वो सोने के बाद ही होगा, जो होगा अंदर बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये ब्लॉग थोड़ा छोटा हो गया, वैसे कल से लंबा लंबा ब्लॉग आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना थोड़ा हाँ अपना वर्कआउट भी दिखाएंगे उसमें, ठीक है। तो ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।